नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आपको लेके आए हैं हिंदी रचना व उनके रचनाकार, जो आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से आपके लिए दो या तीन क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में, तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपके ये सब समझ में आएगी कि रचनाएँ कौन सी किसकी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल न्यूज स्टूडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। तो करते हैं प्रारंभ हिंदी रचना व रचनाकार। सर्वप्रथम देखते हैं जयशंकर प्रसाद। वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट्स में अवश्य बताएँ। तो जयशंकर प्रसाद जाने माने लेखक हैं, सभी इनका नाम जानते होंगे, सुना होगा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 30 जनवरी सन 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर सन 1937 में। इनकी रचनाएं देखेंगे प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं दो रचनाएं इनकी हैं, क्या है, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। दोनों में आपको गुप्त लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, कामायनी, इस पर आप डबल स्टार लगाएंगे कामायनी पर, और जन्मों जय का नागयक और आंसू। ठीक है, आंसू पे आप डबल स्टार लगाएंगे। कामायनी और आंसू के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नंबर दो है मुंशी प्रेमचंद। चर्चित नाम है, इनके उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे इनकी रचनाएं। इनका जन्म आप देखेंगे तो 31 जुलाई सन 1880 लम्ही वाराणसी में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु इनकी हुई थी 8 अक्टूबर सन 1936 वाराणसी में। ये इमेज आप देख रहे हैं, सभी की इमेज देखते हुए चलेंगे जिससे कि आपको सही से याद रह सके। इनकी रचनाओं में हम देखते हैं गोदान उपन्यास था, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आप डबल स्टार लगा के इनको याद करेंगे, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रय, सभी रचनाओं के बारे में अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं नंबर थ्री, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि। ठीक है, पहली बात तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, वो राष्ट्रकवि कौन से कवि हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे या याद करेंगे जब भी कवियों के नाम पढ़ेंगे तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, इतना याद इनके बारे में आप करेंगे, रट लेंगे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 3 अगस्त 1886 चिरगांव में हुआ था और मृत्यु की जगह इनकी रही 12 दिसंबर सन 1964 भारत में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भारत भारती, ठीक है, एग्जाम में कई बार ये ट्रेंड करती है और सांकेत, इस पर डबल स्टार लगा देंगे भारत भारती पर, सांकेत, जयद्रथवत, पंचवटी और यशोधरा कभी कभी आती है, नोट कर लेंगे इनकी रचनाएं और याद करेंगे। इसके बाद देखते हैं नंबर फोर, महादेवी वर्मा। महादेवी की वर्मा की जो यामा रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, डबल स्टार लगा लेंगे इस पर। इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 27 अप्रैल 1982 को मिल चुका है और ये अभी सुपरटेट हुआ है 2018 में, इससे पूछा गया था प्रश्न। जन्म की तारीख और समय इनका रहा है 26 मार्च 1907 फरक्काबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 प्रयागराज में। ठीक है, इतना इसके बारे में नोट लेंगे कर लेंगे। और सेकेंड जो रचना है इनकी वो है रश्मि। देखते हैं नंबर फाइव कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म जो हुआ था वो 21 फरवरी सन 1899 मेदिनीपुर में हुआ था, मृत्यु की जगह और तारीख है 15 अक्टूबर सन 1961 प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी प्रयागराज में और जन्म इनका मेदिनीपुर में हुआ था। इनकी रचनाएं आप देखेंगे कुकुरमुत्ता से कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अनामिका परमल। ठीक है, अनामिका भी महत्वपूर्ण है, तो तीनों रचनाएँ इनकी याद कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, नंबर सिक्स, सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है झांसी की रानी। हर बेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी जो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं और किस रचनाकार की हैं, तो इसका आंसर है झांसी की रानी नामक रचना से और सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए नोट कर लेंगे, डबल स्टार लगाएंगे।
जिनका जन्म हुआ था 16 अगस्त सन 1904 प्रयागराज में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 15 फरवरी सन 1948 सिवनी में हुई थी। ठीक है, सेकंड इनकी रचना थी मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। बिखरे मोती भी महत्वपूर्ण रचना है, नोट करेंगे सभी बच्चे कॉपी और कलम लेके बैठें। जब भी हम वीडियो अपलोड करें या जब भी हमारा वीडियो देखें तो आप वहाँ से नोट करते जाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि लिखते हुए यदि लिखोगे साथ साथ तो वो अच्छे से याद होती है और एग्ज़ाम में आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो नंबर 7 देखते हैं, सूरदास। ठीक है, सूरदास की कहानी हमने कक्षा 9 से लेकर 10th से पढ़ी है, जीवनी कई कई बार पढ़ी है। तो इनका जन्म हुआ था 1478 ब्रज में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो ब्रज में हुई थी। ये एक भक्त कवि कहलाए गए, क्योंकि ये कृष्ण भगवान के भक्ति में ही इन्होंने रचनाएँ की हैं। इनकी रचनाएँ देखेंगे, सूर सागर महत्वपूर्ण रचना है, सूर पंचीसी, सूर सारावली महत्वपूर्ण रचना है, सात लहरी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, सभी में सूर सूर है, ये तीन में सूर सूर है, ये साहित्य है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, सब याद कर लेंगे। इनकी एग्जाम अक्सर इससे यहाँ से आता है क्वेश्चन। अब देखते हैं 8 नंबर, मलक मोहम्मद जायसी। इनकी इमेज आप देख रहे हैं और इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वो है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत और चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। इनका जो जन्म हुआ था वो 1477 भारत में हुआ था और मृत्यु जगह इनकी है 1542 में इनकी मृत्यु हुई थी। पद्मावत कई बार एग्जाम में अटेंड करती है और आखिरी कलाम भी अटेंड करती है, तो इसके लिए आप नोट कर लेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कौन सा है, गोस्वामी तुलसीदास। इनकी भी रचना है, हम इनकी जीवनी के बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं और सभी को अक्सर इनकी जो जीवनी है वो याद होगी। इनका जन्म हुआ था 1532 राजापुर में और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 अस्सी घाट वाराणसी में। ठीक है, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है, रामचरितमानस। यहाँ से जो इन्होंने चौपाई लिखी है रामचरितमानस में रचना में वो पूछ लिया जाता है। बिना पत्र का दोहावली महत्वपूर्ण रचना है, डबल स्टार करेंगे, कप्तावली भी, गीतावली और बैराग सद्यपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये इनकी सभी महत्वपूर्ण रचना है, सभी को आप नोट करेंगे। इसके बाद देखते हैं नंबर 10, विष्णु शर्मा। इनकी एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सी है, पंचतंत्र। की जन्म और जो मृत्यु इनकी हुई थी वो कश्मीर में भी हुई थी, कश्मीर के रहने वाले थे ये, तो इनकी रचना पंचतंत्र याद कर लेंगे, विष्णु शर्मा की रचना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11, औध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, हरिऔध के नाम से भी ये प्रसिद्ध कवि हैं और इनका जन्म जो हुआ था वो 15 अप्रैल सन 1865 आजमगढ़ में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 16 मार्च 1947 आजमगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं हम देखेंगे तो अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, पद्म प्रसून और वैदेही वनवास, इनकी ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं नंबर 12 कौन है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनकी रचनाएं हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। जन्म इनका हुआ था 4 अक्टूबर सन 1884 बस्ती में हुआ है और इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 भारत में भी इनकी मृत्यु हुई थी, इमेज आप देख लेंगे। इनकी जो रचना थी चिंतामणि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, डबल स्टार करेंगे इस पर, एग्जाम में अक्सर ये पूछी जाती है। रस मीमांसा भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में एक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 13, चंद्रवरदाई। ठीक है, ये कहाँ के कवि थे, राजस्थानी कवि थे और 30 सितंबर सन 1149 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1200 में हुई थी। इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये इपीटेट और सुपरटेट अन्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो एग्जाम में अक्सर आती रहती है। ठीक है, तो ये कवि देख लेंगे आप, इनकी शक्ल देख लेंगे, इनका चेहरा इमेज देख लेंगे और चंद्रवरदाई की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो, याद हो जाएगी एक ही बार में। इसके बाद नंबर 14 देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिनकर इनका सरनेम रहा होगा। इनका जन्म जब हुआ था वो हुआ है 23 सितंबर सन 1908 सिमरिया में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जगह देखेंगे तो 24 अप्रैल सन 1974 बेगूसराय में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है, नोट करेंगे, डबल स्टार लगा के उर्वशी, कई बार एग्जाम में ये आई हुई रचना है। इसके बाद इनकी रचना हुंकार है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है, सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, डबल स्टार इस पर उर्वशी पे आप लगाएंगे।
अब देखते हैं नंबर 15 पे, वृंदावन है, ये वृंदावन है, वृंदावन लाल वर्मा की रचना, एक रचना मृगनयनी कर लेंगे याद, ठीक है, मृगनयनी एग्जाम में आती है ये, किन की रचना है, वृंदावन लाल वर्मा की। इसी प्रकार कवि, ये एक भक्त कवि कहलाए बीजक, ठीक है, ये निर्गुण शाखा के जो थे कवि में एक थे, की रचना जो महत्वपूर्ण है वो है बीजक, इसके लिए नोट कर लेंगे। इसके बाद नंबर 17 पर देवकी नंदन खत्री, इनकी जो रचना है वो चंद्रकांता है, जो टेलीविजन पर डायरेक्ट चलता था चंद्रकांता, उससे संबंधित इसको जोड़ लेंगे तो हमें याद रहेगी देवकी नंदन खत्री की रचना थी वो चंद्रकांता थी। अब आता है फणीश्वरनाथ रेणु, इनकी रचना क्या थी, मैला आंगन, मैला आंचल, सॉरी मैला आंचल, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना एग्जाम में ये आती है, इसको याद कर लेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।